हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रुक करते हैं अगले खबर का। शाहीन बाग में दो महीने से ज्यादा वक्त से नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने गतिरोध खत्म करने के लिए मध्यस्थता टीम का ऐलान किया है, लेकिन फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आज तीसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने क्या मांगे रखी, आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रास्ता खुलवाने के लिए याचिका जो चल रही है, उसके मद्देनजर आज शाहीन बाग में एक बार फिर से साधना रामचंद्रन तीसरे दौर की वार्ता करने पहुंची। यहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ तीसरी बार बातचीत करके उनके मुद्दे सुनने की कोशिश करी और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया। महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है शाहीन बाग की। नाम क्या है आपका? शाहीन बाग की बेटी। ये जो फूल है आपको साधना मैम ने दी? ये साधना मैम ने मुझे दिया है। क्या मांगे रखी गई और कितनी मांगे रखी गई आपकी तरफ से? हमारी जो मैंने जो उनसे मांगे रखी थी कि बाकी का तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं अपना बोल रही हूँ कि और जो हमारे प्रोटेस्टर हैं उनकी फर्स्ट यही मांग है कि जो हमारे ये रोड को वन साइडेड रोड खोलने की बात की गई, तो हम वन साइडेड रोड अभी खोलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस कितनी ज्यादा बड़बड़ता मचाई है जामिया JNU और AMU और गार्गी कॉलेज में कितनी ज्यादा, और बड़बड़ता मचाने के बाद स्टूडेंट पे इल्जाम लगा है और पुलिस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं डर है कि ये रोड खोल देंगे तो हमारे प्रोटेस्टर के साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। तो आप लोगों की लिखी गई उसमें ये लिखा गया है कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, अगर सुरक्षा मिल ये कहा गया है। एक मिनट, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, उन्होंने कहा है कि ये हमारे SHO और जो ये दिल्ली पुलिस है वो फुल प्रोटेक्शन देगी, तभी हम ये वन साइडेड रोड खोलेंगे। और मेरी और हम लोगों में उनसे बात कही कि ये जो आप दिल्ली पुलिस को सुरक्षा की मांग जो रखी वो लिखित रूप में हो, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसकी जिम्मेदारी 100% ले। कल को कोई कुछ भी होता है प्रोटेस्टर के साथ तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी उसकी जिम्मेदारी फुल जिम्मेदारी ले। सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी ले ये मांग कर रही है। और दादियां, ये जो शाहीन बाग की दादियां हैं, देख सकते हैं आप, वो यहाँ पर ही मौजूद है। उन्होंने भी अपनी मांग रखी थी, सवाल किया था, उनसे भी बात करेंगे। हाँ दादी, ये बताइए कि आपने क्या मांग रखी है, क्या नाम है दादी, आपने क्या मांग रखी है? हमारी मांग जो है ऐसी NRC वापस ले लो तो उठेंगे नहीं उठने के लिए। और जो 7 अलग अलग मांगे वो लिख के गई है, वो क्या है? कोई नहीं जिम्मेदारी ले रहा, जामिया की जिम्मेदारी ली थी, गोलियां चलवा दी थी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कौन ले रहा जिम्मेदारी बताओ तुम्हें? दादी बताइए आपने क्या मांग रखी? तो कुल मिलाकर 7 मांगे हैं जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से रखी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये जो डेडलॉक है वो अब भी कायम है। क्यों है ABP लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। ABP लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।